أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین و ناظرات الوحدہ ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم کی قسط نمبر 89 لے کر 89th قسط لے کر سخاوت حسین صدرالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آج ہمارا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہے. آپ اگر کال کرنا چاہ رہے ہیں تو 10 بجے سے قبل تک ایک گھنٹہ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے القرآن سینٹر کے نمبر پر جو ہمارا پینسلوینیا کا نمبر ہے 484-461-4349. اگین 484-461-4349. نیچے ٹکر بھی چل رہا ہے, اس پہ نمبر لکھ دیا گیا ہے, آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زیادہ تر ہم آج قوم جنات کے بارے میں بات کریں. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الجن ہے, نفر من الجن, جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا تھا اور مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الجن. اللہ آپ سب کو حج عمرہ پہ لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جنت المعلا کے قریب ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الجن. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں جنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. ایک جگہ ہے بئر العلم, یہاں مولا علی علیہ السلام کی باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی قوم جنات کے ساتھ, باغی اور طاغی سرکش جنوں کے خلاف, اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا تھا. اگر آپ تشریف لے جائیں حج پر اور آپ کو ایک وادی جن دکھائی جائے جہاں اگر آپ نیوٹرل کر لیں اپنی گاڑی کو تو گاڑی وہاں سے خود چلتی ہے. یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ آپ کو گاڑی خود چلانی نہیں پڑتی بلکہ گاڑی خود چلتی ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ یہ قوم جنات کے لوگ ہیں جو پش کرتے ہیں گاڑی کو. آپ بات کر رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم, اور اس میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. فور ایٹ فور فور سکس ون فور تھری فور نائن پہ آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. آج کا یہ پروگرام اس وقت جو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے یہ قوم جنات کے بارے میں ہے. میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں کہ میں نے دیکھا ہے حج پر 2 سال 3 سال قبل. مولانا وسیم عباس بھی ہمارے ہمراہ تھے, ان کے کچھ گاؤں کے لوگ تھے,
लिहाजा वो हमें ले गए और उन्होंने वहां पर गाड़ी न्यूट्रल कर दी और गाड़ी खुद चली। ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन थी कि दुनिया में आज भी ऐसी वादियां मौजूद हैं कि जहां गाड़ियों को जिन चलाते हैं। भारत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर कि इस पर हम जितना भी वक्त सर्व करें वो कम है, मगर मैंने चाहा कि थोड़ा बहुत तस्करा आज कौम जिन्नात का भी हो जाए, इसलिए कि हमारे जो नौजवान हैं वो काफी इंटरेस्टेड हैं इस बारे में, वो चाहते हैं कि जिन्नात के बारे में उनको इतला दी जाए। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। एक तो गलत फहमी ये है कि बाज लोग समझते हैं कि जिसके सर में दर्द हो गया, थोड़ा सा स्टॉमिक खराब हो गया, या मिसाल के तौर पर उसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया तो उसके ऊपर जिन का कब्जा हो गया है, फिर वो तलाश में चलते हैं पीरों की, फकीरों की, फिर उसके बाद वो एक हाजिरी का एक हाजिरी की इस्तिलाह है, पीर फकीर कहते हैं कि ये हाजिरी होगी, उसमें मरीज को हाजिर किया जाता है वगैरह वगैरह। ये एक बहुत तवील डिस्कशन है। पहले कॉलर देखते हैं कौन है और क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हेलो मौलाना साहब, मेरा डेराल तालुक है, ये पूछना है वो कर्बलाज जिन उसके बारे में बताएं। कर्बला से जिन क्या गुजरा वाले में आया वो? हाँ जी, ठीक है। ये पहली कहा गुजरा वाला के साहब की आई है। ये दरअसल एक मौलाना थे, वो जफर अब्बास उनका नाम था, मौलाना जफर अब्बास। एक काल और शामिल कर लेते हैं, फिर मैं ये गुजरा वाले के साहब का भी जवाब देता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो जी, आप कौम जिन्नात के बारे में हम प्रोग्राम कर रहे हैं आज, कौम जिन्नात के बारे में अलमैदी टीवी पर कुछ आप फरमाना चाहेंगे? कौम जिन्नात के बारे में प्रोग्राम जारी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अलमैदी टीवी पर कौम जिन्नात का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कौम जिन्नात जिन्नों के बारे में। कोई पूछना चाहते हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल फरमा लें। आज का प्रोग्राम है जिन्नात के बारे में, आज हमारी सारी गुफ्तगू कौम जिन्नात के बारे में होगी। मेरे एक दोस्त हैं अलामा आबिद अस्करी, मेरे वो साथ के पढ़े हुए हैं कोटा जाम में, वो बल्कि उस वक्त मुझसे सीनियर थे वो। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है कौम जिन्नात पर। एक कार और शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो हेलो मौलाना साहब। अलैकुम सलाम सर, फरमाइए। ये बताया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ा बेहतरीन सवाल है। सवाल ये आया है दूसरा कि मर्द और औरतें, तो वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मर्द भी होते हैं जिन, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, और उनकी शादियां भी होती हैं, शादी ब्याह होता है उनका। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मेल भी हैं फीमेल भी हैं, जिननियां भी होती हैं और जिन भी होते हैं, और ये सब एक जज की औलाद है, उसका नाम था जान। जैसे हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो वो जान की औलाद है, उनके बाप का नाम था जान। माशाल्लाह, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि क्या जिनों में मर्द औरतें दोनों होते हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जिनों में मर्द भी हैं औरतें भी हैं।
अगर आप कॉल करना चाहें तो जैसे मैंने अर्ज किया है 484-461-4349 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा रहा है हमारे अल कुरान सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया से, और रफत मिर्जा साहब ये मेहरबानी फरमा रहे हैं, ये इन ट्रांसमिशन को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। इनके लिए भी, मौलाना वसीम अब्बास के लिए भी, हुसैन रजा के लिए भी, हाफिज मुबशर के लिए भी दुआगो हूं और सारी टीम के। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। अलैकुम जी सर। हेलो जी। जी अलैकुम सलाम, फरमाइए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, बड़ी इंफॉर्मेशन हमें दी है, अल्लाह सलामत रखे आपको। मसलहता नाम ऐसे भाइयों के नाम बालता नहीं पूछते, हो सकता है वो ना बताना चाह रहे हो। बहुत शुक्रिया। अभी हम इस सिलसिले में आपको दुआ भी बताएंगे और लोगों को बताएंगे। इन भाई ने ये कहा है कि इनको अलाजाहिर कौम जिन्नात के लोग धक्का मारते थे जब ये चलते थे, और चारपाई से भी ये गिर जाते थे अपने बेड से, तो इनको अल्लाह ने शिफा दी है। मुझे इनके नाम का इल्म है मगर मैं नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है वो नाम ना बताना चाहते हो, यहां हम पब्लिक नहीं करते। कोई अगर नाम अपना बताना चाहे, एक साहब थे जो मेरे पास आए थे जो अपने तख्त ख्वाब से गिर जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको इस्मे आजम का पानी दिया, उनको मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तावीज दिया और मैंने उनको दुआ बताई कि सूरह जिन पढ़वा लीजिए तो इंशाल्लाह जिन तक नहीं करेंगे। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मौलाना साहब एक आपसे सवाल करना था। जी आप माइनिंग करें तो ये जो जिन्हों की जो फैमिली होती है इसमें औरतें जिन्हों को हमारी औरतें की तंग करती है या नहीं? अच्छा बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक है, आपका इस मुबारक बताना पसंद करेंगे, अपना नाम बताना पसंद करेंगे। मुराद ये है कि समझ आ गई जी, मुझे समझ आ गई है आपके सवाल की, सवाल आपका मुझे समझ आ गया है। बताना पसंद करेंगे कि कौन साहब है और कहां से फरमा रहे? ठीक है, नाम नहीं बताना चाह रहे शायद। ये भाई ने सवाल ये किया है कि जिन्नों की औरतें हमारी औरतों को तंग करती हैं और जिन्नों के मर्द हमारे मर्दों को तंग करते हैं, इसका जवाब ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे मुमकिन है कि मादा जिन हमारे किसी बंदे को तंग कर रही हो, और ऐसे मुमकिन है कि मर्द जिन मेल जिन हमारी किसी खातून को तंग कर रहा हो, ये इसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते जिन कौम जिन्नात में, ये कोई चीज नहीं है। आइए जरा हमारे जो गुजरा वाले वाले नाजिर थे उनके सवाल का जवाब पहले दे लें कि एक मौलाना थे मौलाना जफर अब्बास खान मरहूम, इनका ताल्लुक था झंड से और ये वजीराबाद में गुजरा वाले में बहुत अरसा रहे। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा आयतुल्ला किबला अख्तर अब्बास नजफी साहब के ये शागिर्द खास थे, और क्योंकि मैं भी किबला के शागिर्द खास था तो अगरचे ये मुझसे एज में बहुत बड़े थे, मेरे वालिद के जमाने के ये थे, मगर इन्होंने खुद मुझे एक वाकया सुनाया, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। दुबई में मैं इनके घर ठहरा हुआ था हुसैनिया जहरा में, और हुसैनिया मोहम्मद शाह में मेरी मजालिस तकारीर चल रही थी कि उस दौरान ये मुझे अपने घर ले गए, इनके पास मर्सिडीज कार थी। एक कार और शामिल करते हैं, फिर मैं मौलाना के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने जिन्नात से कैसे मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा
ये मेरी बेटी है तो उसमें जो है वो सुबह उसको महसूस होता है जैसे उसके उसको किसी ने ऐसे जकड़ लिया है किसी चीज ने, और रात को भी उसको अक्सर सारी टाइम यही महसूस होता है, और उसे फिर मेल किसी आदमी के बोलने की आवाज आती है और वो सख्त खौफजदा इस चीज से होती है। और हमने बहुत इसमें सूरत जो है वो नास और ये चार कुल जो है किसी किस मरतबा किसी ने बताया था वो बहुत पढ़े हैं, लेकिन उसमें कोई फ्रूटफुल जो है वो नतीजा नहीं आ रहा। तो ये आप बताएंगे कि कोई ऐसा जैसे आप इसमें आजम का माशाल्लाह बता रहे हैं तो इसके लिए क्या मेहनत किया जाए कि इससे ये चीज हट जाए? लोग मतलब आपने बताया था ये बचपन से चीज है। ठीक, आप प्रोग्राम वॉच कर रही? जी मैं बिल्कुल वॉच कर रही हूँ। अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, आप वॉच करती रहे। अभी मैं सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, फिर मैं बाकी चीज बताता हूँ। सिस्टर ने हमें यह कहा है कि बच्ची है और वो महसूस करती है कि किसी शय ने उसको जकड़ रखा है, खास तौर पे जब वो सो के उठती है तो कोई ना कोई चीज ऐसे लगता है कि जैसे वो जकड़ चुकी है कोई चीज, और उसको फिर मेल यानी मर्दों की आवाजें भी सुनाई देती है। इसका कोई इलाज बताएं, ये सिस्टर ने हमसे सवाल किया। तो मैं सबसे पहले इसका इलाज बता दूं, अगर आपको ये महसूस हो कि कोई चीज आपके या आपके बच्चे या बच्ची या रिश्तेदार के बदन पर खास तौर पे टांगों पे क्रॉलिंग कर रही है और ये मुसलसल हो रहा है, ये क्रॉलिंग उमूमन सोते में होती है या जब सोने लगते हैं या उठते हैं उस वक्त, कभी कभी चलते फिरते भी होती है, या महसूस करें कि बच्चियों के जो जनाना अयाम है उनमें हद से ज्यादा डिसऑर्डर हो रहा है, या ये महसूस करें कि स्टामिक दवाई के बावजूद काम नहीं कर रहा, या ये महसूस करें कि दर्द सर किसी दवाई से जा नहीं रहा, डिप्रेशन को यूं फील करें कि दवा खाने के बावजूद गोली खाने के बावजूद भी डिप्रेशन नहीं जाता। ये आप जहन में रखिए, मैं ये कॉल ले लूं, फिर मैं आगे और भी सिम्टम्स बताता हूं, फिर मैं अर्ज करूंगा कि कब आपको यकीन होगा कि आप पर या आपके किसी प्यारे पर जिनका अटैक है। अभी मैं ये कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मैं फातिमा बात कर रही हूँ कनाडा से। जी जी कैसे हैं आप डॉक्टर? आप फरमाए कैसे डॉक्टर? मेरा सवाल ये है आपसे कि मुझे जो है घुटनों में बहुत दर्द है, तो मेरे लिए कोई प्रकार से इसमें आजम में चाहिए कोई अच्छा सा कोई अल्लाह तला के नाम के सारे अच्छे हैं मतलब जो इस तरह के उसमें मुझे असर करे। और एक और बात कि जब बच्चे घर में नहीं है तो बच्चों को घर से जब बाहर जाए तो उन्हें क्या पढ़ के उनको भेजे घर से बाहर के वो खैरियत के साथ रहे। ठीक है, आप बात करती रहे, मैं अभी आपके सवाल दोनों सवालों के जवाब पेश करता हूं। पहले तो ये मैं कंप्लीट कर लूं जो सिस्टर ने कहा कि उनकी बच्ची महसूस करती है आवाजों को और ऐसे लगता है कि किसी शहर ने उनको जकड़ लिया है, तो ये जहन में रख लें जो मैंने चंद सिम्टम्स आपको बताई है। तनहा रहने को दिल कर रहा है, बंदों में नहीं बैठ सकते, मोटापा होता जा रहा है या भूख नहीं लग रही या घंटे घंटे आधे आधे घंटे से रोटी खा रहे, पानी के नल के सामने एक या तीन दफा हाथ धोने की बजाय 50-60-70 मरतबा हाथ धो रहे हैं, बार बार मुंह के छट्टे मार रहे हैं, शावर लेने को दिल नहीं कर रहा है या शावर में घंटा डेढ़ दो घंटे लग रहे हैं, मियां बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो डैमेज हो चुके हैं, चिड़चिड़ापन आ चुका है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो मैंने अपनी किताब जादू के असरात में जादू के तोड़ में लिखी है कि या तो फिर जादू है या हमला जिन। अभी मैं और क्लियर बताता हूं, एक कॉल और ले लू।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سعد, میں قریب ہو رہی ہوں وکٹر ویل سے. آپ کا پروگرام بات کری ماشاء اللہ سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. سر میرا بھی ایک کوشچن ہے آپ سے, جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میری سیدھی ہاتھ گردن کی طرف کندھے سے اوپر جیسے کچھ چونٹیاں سے چل رہی ہوں, جیسے ابھی ایک عورت نے سوال کیا تو میرے بھی ہاں کافی عرصے سے سر یہ واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کو یہ تکلیف صرف نماز میں ہو رہی ہے تو پھر یہ شیطان ہے جن کی. اگر یہ وہ شیطان کبھی کبھی چونٹی ہاں جب میں نماز کے لیے ہوتی ہوں تو مجھے جیسے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ چونٹیاں سی چل رہی ہیں, ایسی چونٹیوں کی طرح مجھے محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب ابھی عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. کنیز نے ہمیں کال کی ہے وکرم سے, اور یہ کہتی ہے کہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کو کوئی چیوٹیاں کاٹ رہی ہیں کندھے کے قریب. تو یہ میں نے پہلے بھی اس کا میں نے علاج کیا ہے کئی لوگوں کا. جب کوئی بھی انسان نماز وغیرہ زیادہ پڑھنے لگتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے اس کو بہکانے کی, اور وہ میں نے محسوس کیا ہے کہ شیاطین کبھی آ کر چیوٹیاں نکالتے ہیں تاکہ بندہ بددل ہو کے نماز چھوڑ دے. اس کا بڑا آسان سا علاج ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, 11-11 مرتبہ ڈیلی پڑھیں, انشاءاللہ وہ چیوٹیاں کاٹنی بند ہو جائیں گی. اب آ جائیے ذرا پہلے گجرا والے صاحب کی بات مکمل کر لیں. مولانا ظفر عباس کے ہاں میں مہمان تھا دبئی میں, تو بڑی انہوں نے ہماری خدمت گزارات کی, اور ان کی جو بیگم صاحبہ وہ بھی ہمارے والد کے کیونکہ وہ بھائی بنے ہوئے تھے تو وہ ہماری چچی کے طور پہ تھی, انہوں نے بڑی میری خدمت کی. میں وہاں مجالس پڑھ رہا تھا چینوں کی, تو میں نے مولانا سے صبح مولانا 5 میل واک کرتے تھے, بڑے مضبوط آساب کے تھے. تو اس دن انہوں نے میرے ساتھ مل کے کوئی 4 میل واک کی. واک سے واپس آئے تو پھر زبردست وہ پراٹھا اور وہ مکھن اور دیسی گھی, اور ساتھ ہی اپنے بہترین قسم کے اور رچ بریک فاسٹ تھا وہ. تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پوری زندگی کی کوئی خاص بات بتائیں, اور یہی میں نے سوال کیا کہ آپ جنات کے بارے میں کوئی اطلاع رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے وزیر آباد پہ ایک جن نکالا, تو اس جن نے جب میں نے نکال لیا تو جن مجھ سے گویا ہوا, اور اس نے مجھے بتایا کہ میں ظافر جن کا پوتا ہوں, اور ہمیں باقاعدہ کربلا سے اس مشن پہ بھیجا گیا ہے کہ جہاں مجلس حسین ہو وہاں ہم پہنچیں اور ہم رونق بنیں. ہم کئی فرد ہیں قوم جنات کے, اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں مجلس حسین علیہ السلام ہو رہی ہو ہم وہاں کی جا کے رونق بنیں. یہ گویا میں نے گجرا والے کے سامنے جو پوچھا تھا یہ ان کے لیے. دوسرا جواب میں نے دے دیا ہے کہ جن مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں. تیسرے صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ چارپائی سے وہ گر جاتے تھے, ان کا علاج ہو چکا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر رہا ہوں, اللہ کریم آپ کی بچی کو
शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। अगर खुदा ना खास्ता हमारे बताए हुए वज़ाइफ से भी ठीक ना हो तो आप हमसे राब्ता कर सकती हैं, इंशाल्लाह हम ये खिदमत कर देंगे, हम पढ़ाई कर देंगे, अल्लाह के हुक्म से उनको शिफा दी जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए माशाल्लाह मैंने जो सिम्टम्स बताई आपने देखा कि खुद ब खुद वो बहन ने बताया कि ऑलरेडी वो सिम्टम्स उनमें मौजूद है। ये मेरी एक किताब है कशकौल सदा, इसको आप बेशक जूम इन कर लें अगर कर सकते हैं तो जूम इन करके दिखा दें। ये किताब है कशकौल सदा, इसमें मैंने एक पूरा चैप्टर कायम किया है कौम जिन्नात पर। आप ये किताब मंगवा सकते हैं, मेरे पास कोई मेरे ख्याल में 20-25 किताबें मौजूद हैं। ये जो किताब है कशकौल सदराल, इसमें मैंने जिन्नात की अकसाम भी लिखी है, जिन्नात के अटैक करने के तरीके भी लिखे, जिन्नात से नजात के तरीके भी लिखे। आप बेशक आप इसको जूम आउट कर लें। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, तो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं सुन रही हूँ आपके प्रोग्राम को। आप मुझे ये बताइए कि जो मदीन मुनव्वर की बात बताते हैं, जिन्नात की वादी है और वो कभी भी आया है तो शायद वो जो जिन्नात है और कुछ वगैरह उनके ये मैंने बहन खुद देखा है। वादी और जिन जो हिजाज मुकद्दस में है, मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। मौलाना वसीम अब्बास भी इसके आई विटनेस है, बल्कि वहां पर हमें एक जानने वाला भी मिल गया था जो कुल्फियां बेच रहा था, उसने हमें कुल्फियां भी खिलाई थी, तो इत्तेफाक से वो हमारे वतन का जानने वाला निकल आया था। तो हम खुद वहां गए, हमारे साथ हाजी मुलाजिम साहब भी थे और भी काफी लोग थे। हमने वहां बाकायदा गाड़ी में हम बैठे, गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया गया और गाड़ी दूर तक खुद चलती गई। ये बिल्कुल मैं इसका आई विटनेस हूं। और वो कौम जिन्नात की वादी है, आज भी वो जो जिन्नात है वो गाड़ी को पुश करके ले जाते हैं, इसका तो मैं आई विटनेस हूं। जैसा मैंने आज इब्तदा में अर्ज किया कि मेरा आज दिल चाह रहा था कि मैं कौम जिन्नात पे एक प्रोग्राम करूं ताकि लोगों को कौम जिन्नात के बारे में जरा इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल फरमाई, अल्लाह करीम आपको जिंदा सलामत रखे। बहुत नमाज, खुदा हाफिज। अच्छा, ये जो मेरी किताब है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है, इसमें मैंने सफा नंबर 493 से लेकर एक कदर और शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, मैं मिर्जा रफत बात कर रहा हूँ पेंसिल्वेनिया से जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और माशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेशन है। बहुत से लोगों को उनकी तबीयत अगर खराब थी तो आपकी दुआओं से और आपके आदम की वजह से वो दुरुस्त हो गए। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिन है और ये रोग है, मुझे पूछना ये है कि जिन जब किसी पे आता है तो उसकी वजूहत क्या होती है, क्यों आ जाता है, क्या कोई उसके सिम्टम बताएंगे, क्या उसको अच्छा नहीं लगता या किस वजह से ये जो है लोग कंप्लेन करते हैं जी हमारे बच्चे पे वजन हो रहा है, जिन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसकी वजूहत क्या है? अभी करता हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, मेरे साहब ने कॉल की है और वो बड़ा अच्छा सवाल ये पूछ रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि 493 से लेकर 712 तक ये अल्हम्दुलिल्लाह आप मुलाहिज़ा फरमाने के ऑलमोस्ट ये 200 सफे से ज्यादा बल्कि बन गए हैं कि जो मैंने लिखे हैं सिर्फ कौम में जिन्नात 200 से ज्यादा। ये 219 सफे हैं जो मैंने लिखे हैं सिर्फ जिन्नात के बारे में, कौम जिन्नात के बारे में। 70 कौमें हैं जिन्नात, ये आप आज समझ लें 70 कौमें हैं जिन्नात की और 70,000 कबीले हैं जिन्नात के।
हर कबीले में 70,000 प्लस लोग होते हैं। यहां तक इस किताब में लिखा है मैंने कि अगर कोई चीज आसमान से फेंकी जाए तो ये इस कदर ज्यादा है दुनिया में कि वो जमीन पर नहीं गिरेगी बल्कि जिन या जिन्नी के सर पर गिरेगी। इस दर्जे जिन्नात की हमसे बहुत ज्यादा है ताला। असल जो जिन होता है उसको जिन्नी कहते हैं और जो लोगों के साथ रहता है जैसे ये अभी बहन कह रही थी उसको आमिर कहते हैं। आमिर या आमिर जिन का नाम। जो बच्चों को परेशान करते हैं उनको अरवाह कहते हैं। सबसे ज्यादा जो खबीस और परेशान करने वाला जिन है उसको जिन नहीं बल्कि उसको शैतान कहा जाता है। शयातीन होते हैं। जैसे अभी मैंने अर्ज किया था जादू भी या तो जिन के जरिए होता है या शैतान के जरिए होता है। उमूमन एक किस्म वो है जो सांपों और कुत्तों की तरह होती है। एक किस्म वो है कि जो रास्तों में क्याम करती है जिसको भूत वगैरह के तो नाम से पुकारा जाता है। एक किस्म वो है कि जो साया करते हैं एक आधी शक्ल इंसान की रखता है और आधी हैवान की उसको शक कहते हैं। शीन कफ ये मुसाफिरों को तनहा देखते हैं तो उन पर अटैक करते हैं। जो इन्होंने मिर्जा साहब ने अभी सवाल किया था ये जो शक वाली किस्म है। तो ये कुछ अकसाम है। याद रहे कि नफर मिनल जिन में सूरह जिन में आया है कुरान में जिन का बहुत जिक्र आया है। कमोबेश 18 मकामात पर जिन्नात का तज़किरा सराहत के साथ कुरान में मौजूद है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यअमलून लहू मिन महारीब व तमासील व जिफानिन कल जवाब व कुदूर रासियात। हजरत सुलेमान के दौर में जिन्नात बकायदा उनकी खिदमत करते थे और उनके लिए मूर्तियां बना के लाते थे, न्याज बना के लाते थे, तबरुक सबीले बना के लाते थे। इन्ना सबेरा किताबर उन्ज़िल मिन बाद मूसा। पुराने मजीद में जितना जिन्नात का जिक्र है उससे कहीं ज्यादा जिक्र है अहादीस। इसी तरह एक कहानत होती है जैसे काहिन कहते हैं उनकी भी दो किस्में हैं। कहानत दरअसल जिन्नात से रबते को कहते हैं जिनको 40 दिन का अमल कर ले कोई बंदा मौकिलात वाला तो जिन कब्जे में आ जाता है। फिर वो कब्जे में जिनको लाके उससे गलत सही काम करवाते हैं। हमारे फिक्र जाफरिया में जिन का कब्जा करना हराम है जैसा कि इंसान को गुलाम नहीं बना सकते इस दौर में इस तरह जिन को भी आप कब्जे में नहीं ले सकते। हमारे अक्सर फुकहा अक्सर उलमा इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। इक्का दुक्का होंगे कि जिन्होंने फुकहा नहीं बल्कि आम लोग जिन्होंने जिन वगैरह रखे होंगे। जैसे एक साल है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। मेरे छोटे भाई हैं मौलाना उल्फत हुसैन उनके कोई खास दोस्त हैं शाह साहब जंग में तो वो सुबह सुबह आ जाते हैं। वो पिछले सालों में कहीं अरेस्ट वरेस्ट भी हो गए थे बाद में रिहा भी हो गए तो वो सुबह सुबह आते हैं तो लोग आ जाते हैं तो छत के अंदर से एक सांप गिरता है। वो सांप बकायदा हर बंदे के पास जाता है। वो डरते तो है बेचारे पर वो की सब बार बार कहते रहते घबराए नहीं तो वो थोड़े से दूर खड़े होकर फिर वो पूछता है कि आपको क्या मसला है। फिर उसके बाद वो दरमियान में जाके बैठ जाता है तो एक एक का नाम लेके बताता है कि फलां साहब का मसला ये है इसको यूं हल होना चाहिए फलां का ये है। तो ये मौलाना उल्फत हुसैन ने खुद देखा है अपने आंखों से। तो खैर मैंने उनसे जब कहा कि भाई अपने दोस्त से कहें कि भाई मेरे भाई देखना चाहते हैं तो उनके दोस्त डर गए।
उन्होंने कहा नहीं उनको डाले। अब नहीं मालूम वो क्यों डर गए, मैं तो खुद नहीं देख सका, मगर अलबत्ता मैंने अपनी जिंदगी में जिन देखे, जिन्नात को मैंने देखा है, बल्कि मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं जिन्नात, जिन्नात के साथ मैं पढ़ता रहा, रूममेट भी रहे हैं मेरे जिन्नात, मेरे रूममेट भी रहे। मुझे एक मेरा क्लास फेलो था जो गजरेला खिलाता था, गाजर का हलवा बड़ा जबरदस्त मुझे पसंद था, तो कॉफी पिलाता था मुझे, चाय पिलाता था, कॉफी पिलाता था, और ये जो ऊपर लोई हम लेते हैं सर्दियों में वो लेके आता था मेरे लिए, पिस्ते बादाम लाता था, बड़ा ही बड़ा उसने हमें खिलाया पिलाया, मगर वो गायब हो गया, कहीं नाराज हो गया। तो उसके बाद उसने शर्रुमा तक पढ़ा था, शर्रुमा तक वो बकायदा मदरसे में पढ़ा था। तो जहां तक ताल्लुक है इन बहन का, जिन्होंने बताया था कि उनकी जो बच्ची है वो महसूस करती है कि किसी चीज ने उनको जकड़ लिया है, और वो महसूस करती है कि कोई मेल बोल रहा है। और साथ ही एक बच्ची के बारे में ये भी बताया गया कि कनाडा से जिस सिस्टर ने कॉल की कि उस बच्ची का निकाह टूट गया और बहुत वो मोटी हो गई, और वो डिप्रेशन भी उसको है और ब्लीडिंग भी बहुत होती है, और वो 40-40, 50-50 मर पर मुंह धोती रहती है वगैरह, वो सिम्टम सारी बताई। तो कबल इसके कि मैं इनका जवाब अर्ज करूं कि क्या पढ़े, और करीज फातिमा ने भी पूछा कि चींटियां उसे काटती हैं, तो वो भी मैं जवाब अर्ज करूंगा। मैं फातिमा सिस्टर ने जो कहा है घुटनों का जो दर्द है, तो मैं अभी कनाडा आ रहा हूं जुमेरात को, जुमा के दिन मैं इमाम जमाना सेंटर में जो पहले बैतुल कायम होता था वहां पढ़ूंगा जश्न इमाम जमाना, और हफ्ता के दिन मैं बाबुल इल्म में पढ़ूंगा, और जुमे की नमाज मैं हुसैनिया पासपोर्ट में पढ़ाऊंगा, और इमरान गोदल के घर पे भी सैटरडे के दिन 3 बजे खिताब होगा। इन चारों जगहों में से जहां भी चाहे मुझे मिल लें, मुझसे दम का पानी ले लें इसमें आजम का, इंशाल्लाह आपका घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। हमारे यहां मलिक साहब है अमीर मोहम्मद खान, उनकी जो पिंडलियां थी वो कम से कम 6 बराबर हो चुकी थी और सख्त उनको दर्द था। मैंने एक मरतबा पानी दम करके दिया, अल्लाह की जात ने उनको शिफा दे। एक और सैयद साहब हैं क्वींस में रहते हैं, उनकी सर्जरी होनी थी, बहुत ज्यादा वो तकलीफ में थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी दम करके दिया, अल्लाह के फजल करम से बगैर सर्जरी के वो शिफाया हो गए। और इस किस्म की बड़ी मिसालें। अब आइए जरा ये सिस्टर की बात पर कि वो क्या करें कि उनकी बच्ची जिन्नात से निजात। एक और शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ पेंसिल्वेनिया से। जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और लोगों को इससे बहुत मालूमात हासिल हो रही है, और इस अच्छे प्रोग्राम को हमेशा जारी रखिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अक्सर हम आपसे सुनते हैं कि आप जिन निकाल देते हैं, जिनों से जिन चढ़ा हुआ, तो आज तक आपकी कितने जिनों से मुलाकात हो चुकी है? बहुत शुक्रिया। और एक सवाल और है जी कि ये जिनों के तंग करने की वजह क्या होती है? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे। सुहैल ने हमें कॉल किया पेंसिल्वेनिया से, इत्तेफाक से रफत मिर्जा साहब ने भी यही पूछा था। पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, जिन्हों के जो अटैक करने का मसला है ये कई चीजें बयान की जाती है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। एक तो चीज ये हो सकती है कि कोई जिन्नात के कहीं बच्चे हों और आपका पांव आ जाए ऑल ऑफ द सडन, और उनको गुस्सा आ जाए तो वो आपको चिपक जाते हैं। एक चीज मैंने महसूस की है कि अगर आप ब्रश नहीं कर रहे, नहा नहीं रहे, कपड़े चेंज नहीं कर रहे, बदबू आपको आ रही, क्योंकि जिन्नात और शयातीन बदबू पे आशिक होते हैं, जैसा कि फरिश्ते खुशबू पे आशिक हैं, तो वो चिबड़ जाते हैं। बहुत सारी वो बच्चियां जो जनाना अयाम के बाद नहाती नहीं है उनको जिन चिबड़ जाते हैं, यानी अगर गंदगी रखेंगे, यही वजह है कि वो घर जिनमें बहुत गंदगी होती है, स्मेल आती है, उनमें जिन चिमट जाते हैं। बाथरूम में जब आप जाए तो वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ के जाए, आउज़ु बिल्लाह पढ़ के जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के जाए, ताकि आप महफूज रहे जिन्नात के अटैक्स।
क्योंकि इनके अटैक की यही जगह होती है अमूमन। कब्रिस्तानों में भी इनका बसेरा होता है, अमेरिका में तो खैर महसूस नहीं किया क्योंकि उजाड़ जगहों में ये रहते हैं, अमेरिका में तो कब्रिस्तान भी अनारकली बने होते हैं, इतनी लाइटिंग होती है कि आगरा का ताजमहल याद आ जाता है। तो ये सुहैल के सवाल का जवाब ये है कि जिनों के अटैक करने की कई वजूहत हो सकती है, कोई जरूरी नहीं, ये भी मुमकिन है कि जिन बिल्कुल बगैर वजह के अटैक कर रहे, ये भी पॉसिबल है। जैसा कि अभी किसी ने पूछा था कि क्या सिर्फ मर्द मर्द को तंग करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, औरतें मर्दों को तंग करती हैं, मर्द यानी मेल जिन औरतों को भी तंग करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा, बल्कि रिसेंटली जो जिन बच्चियों को प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चियों की शादियां टूट जाती हैं, मैंने देखा है उमूमन उन पर जिन्नात अटैक कर देते हैं, या जिनकी सेपरेशन होती हैं उन पर जिन्नात अटैक कर देते हैं, या जिनकी शादियों में बहुत देर कर दी जाए तो जिन्नात उन पर अटैक करते हैं, वो बहुत तंग करते हैं। यहां तक सुहैल ने यह पूछा कि कितने जिन्नों से आपकी मुलाकात हुई, तो अगर आप ये कहें कि जिन कितने निकाले हैं तो ये तो कह सकता हूं कि उम्मीद है कम से कम 500 तो होंगे, 500 से ज्यादा अगर नहीं है तो 500 तो कम से कम होंगे। उनमें से सिर्फ एक जिन की वीडियो बनी थी, वो वीडियो है इस बार शिकागो में, ये जिन था, किसी पर कब्जा किया था इसने, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको बजरिया फोन, उमूमन हमारा इलाज बजरिया फोन होता है, मैं हाजिरी का कायल नहीं हूं, ना तो मरीज की हाजिरी का और ना ही जिन की हाजिरी का मैं कायल नहीं। अलबत्त बचपन में मैंने एक मरतबा जब मैं बच्चा था तो मैंने ये हाजिरी खुद देखी थी, एक को 3 साल थे, वो आए थे हमारे गांव में, वो चोरी हो गई थी, बहुत सारे पैसे चोरी हो गए थे, उन्होंने बाकायदा मेरे जरिए गंदों में से चोरी ढूंढ के दी थी, और मेरे इस नाखून के ऊपर उन्होंने तेल मारा था और कोई दुआ पड़ी थी और मुझे कहा था कि साहब सर इसमें देखो, तो मैंने देखा कि, मैंने कहा कि हाँ ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन में से एक बंदा गुजर रहा है, उसके बाद स्टेशन पे पहुंचता है, उसके बाद हमारी जो डेरे वाली जमीन है उसके पास आता है, उसके बाद वो हमारे कजन्स की जो जमीन है वहां से गुजरता है, उसके बाद वहां जाता है फुला, तो यहाँ ये संदूक में जो कोई चीज है ये गंदम के अंदर इसने छुपाई है, तो वो बाकायदा गंदम के अंदर से वो चीज मिल गई थी। एक दफा जिंदगी में ये चीज हुई, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, बच्चा था उस वक्त में, मगर मुझे आज भी याद है कि वो मैं फिर खुद गया वही अपने स्टेशन से और अपनी जमीनों से और वो कजन्स की जमीनों से गुजरता हुआ आखिर मैं उस जगह ले गया, तो फिर साहब ने कहा कि यहां कौन सी जगह थी, तो मैंने कहा कि यहां पर इस जगह दरमियान में लगता है, तो वहां से वो पैसे मिल गए थे, उसे वहां छुपा दिए थे कि बाद में कहीं ले जाएगा। तो ये एक मरतबा मेरे साथ जिंदगी में ये हुआ, मुझे खैर पता नहीं था ये हाजिरी क्या होती है, तो वह मैं एक दफा हाजिरी देख लूंगा। बाकी रही बात के हाँ वो जो वीडियो बनी वो ये बनी कि उन साहब को, वो एक 24 साल के जवान थे, लाहौर से उनका ताल्लुक था, शिकागो में रहते थे, उन लोगों ने बल्कि हदिया भी भिजवाया हमें, जो हम गरीब यतीमों के लिए खर्च कर देते हैं, तो उन्होंने हमें $500 भी भिजवाए। तो वो ये कहते हैं कि जिन जब निकलने लगा उसने बाकायदा वीडियो बनाया, वीडियो है उनके पास, बल्कि अब मैं शिकागो जाऊंगा तो वीडियो हासिल भी कर लूंगा, वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, ऐसा कोई प्रोग्राम करें तो वो वीडियो का क्लिप भी चला गया। वो जिन बाकायदा बोल के उनको कह रहा है कि आपने वो अलमहदी वाले डॉक्टर साहब को क्यों कहा है, ये वो बाकायदा उसमें कहता है, नाम नहीं लेता, अलमहदी वाले डॉक्टर साहब को आपने क्यों कहा है, हम उनसे घबराते हैं, ये अल्फाज उसके टेप है उर्दू के अंदर, उसके ये अल्फाज है। तो इससे ये पता चलता है कि जिन्नात को खैर 500 से तो ज्यादा ही निकाली होंगे। एक हमारे मलिक शाहिद साहब हैं, उनके एक जानने वाले थे, अहले सुन्नत थे, उनके घर में गया था तो वहां पर एक जिन निकाला था, अभी एक कॉल है फिर मैं और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी जी नाम भी मुझे बताया है, तो मैं नाम भी आपको बताया नाम है
दोबारा फरमाई इसका नाम क्या? अच्छा समझ गया रही, इस नहीं नाम बताइए दोबारा तो। यूसुफ अब्बास। अच्छा यूसुफ अब्बास, ये यूसुफ अब्बास जिनका नाम है? जिनका नाम है ये। मेरा ख्याल ये है कि मैंने यूसुफ अब्बास जिनके बारे में कहीं मुझे इंफॉर्मेशन है, ये मुझे है इंफॉर्मेशन। ये बताइए कि वो साहब कहाँ रहते हैं जिनके पास ये यूसुफ अब्बास आते हैं? ये कोई खातून तो नहीं? कोई खातून तो नहीं? खातून है। ठीक है। और उन्हें खुद भी पेशी बनती है, जैसे अभी आपने बताया पेशी, हाजरी और पेशी। जी हाँ। और मैं क्या बताऊँ, जो वो जैसी उसे खबर नहीं होती है फिर और फिर बात सही हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद खुद लोग आते हैं, उससे बात करते हैं, मशवरा करते हैं, सब चीजें बताते हैं, तो वो बोलती है, उसके बता जो आते हैं उसके पास वो बातें सबको बताती है और उसको अच्छे से तरीका बताती है कि ये करो ये करो, तो वो लोगों की ज्यादा करवाती है। सब बहुत लोग आते हैं उसके पास इस तरह से। बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने। मौलाना साहब इसको दूसरी बात यह है कि उसकी खुद की तबीयत खराब है, उसे पता नहीं जादू ने उसको किया है, किसी ने क्या किया है, तो उसे और बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, हम उनका इंशाल्लाह जादू को तोड़ कर देंगे, जादू का तोड़ हम कर देंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। बिल्कुल हाजिर है। ये सिस्टर आतिया ने बहुत ही अच्छी बात बताई है मुझे, बल्कि मुझे याद आ गया है, कोई खातून है, कौन से इलाके में है, अला जाहिर कोई दिल्ली के करीब है, ये कोई खातून है, इनके पास यूसुफ अब्बास नामी जिन आता है और वो उन जिन के जरिए काम करवाते हैं। होता यह है कि जो लोग हाजिरी या पेशी या कब्जा जिन पे करते हैं, तो जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ये जिन उनको तंग करते हैं, इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, शरीयत में भी जायज नहीं है, और अगर आप शरीयत न भी मानते हो तो आपके अपने लिए ये नुकसानदेह। मैं बताऊंगा आपको, एक मैंने इलाज किया बहुत बड़े बंदे का, अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैंने ये थर्ड टाइम मैं कॉल कर रही हूँ, पिछली दफा भी क्योंकि मुझे वो है फिकर के अभी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपका, तो आप अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लीज छोड़ दीजिए आपको आपके मैं पहले अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8 5 6 8 5 6 2 6 6 2 6 6 5 7 8 6 ये मेरा सेल नंबर है। 5 6 2 6 6 5 7 8 ये मेरा सेल नंबर है, कोई भी भाई बहन मुझे कॉल करना चाहे मैं हाजिर खिदमत हूँ, और मैं अभी आपका असिस्टेंट मैं जाऊंगा नहीं, 10 मिनट है आज, मैं बिल्कुल आपको ये बता के जाऊंगा कि आपकी बच्ची का क्या इलाज है, अभी मैं बताऊंगा। ये सिस्टर अतिया ने जो बात कही इनका मैं इलाज कर दूंगा, वो सिस्टर मुझे सिर्फ नाम बता दें और उनकी अम्मी का नाम बता दें, मैं उनका इलाज कर दूंगा। मैंने अभी बल्कि 3 साल कबल एक साहब हैं जो पाकिस्तान के तकरीबन दर्जा अव्वल के माहिर जिन्नात थे, दर्जा अव्वल एक जमाने में, बल्कि मैं क्योंकि मेरा उनका एक ताल्लुक भी है, मेरे वो वाले साहब के मिला के शागिर्द भी है, मेरे चाचा के भी, तो हमारे मदरसे के वो पढ़े हुए हैं, तो एक जमाने में मैंने उनसे कहा मुझे कोई जिन वगैरह दिखाओ, जब यानी इस दर्जा उनका जिन आप से रब्ता था और वो बड़े काम लोगों के कराते थे, तो वो बेचारे परेशान हो गए और बड़े बीमार हुए, शदीद बीमार हुए, और उन्होंने फिर मुझे बाकायदा रब्ता किया और फिर मैं उनके घर गया, क्योंकि मेरा उनका ताल्लुक तो बहुत ही करीबी है, तो मैंने महसूस किया कि जिन्नात ने उनको बिल्कुल आलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो उनको मैंने सख्ती से मना किया कि अब जिन्नात से रब्ता नहीं रखना, आज के बाद इलाज कर दिया, वो बिल्कुल ठीक है, ये 3 साल से बिल्कुल A1 उनकी सेहत है, टॉप के बिजनेसमैन है, वरना सूख के कांटा हो गए थे, तो मैं आप हजरात को खवातीन से कहूंगा ये तजुर्बा बिल्कुल न कीजिएगा, जिन बिन वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी गुजारे। आइए आप जरा बहन के सवाल की तरफ जाते हैं, ये जिन बच्ची का मसला है या किसी भी बच्ची का मसला है जिनको पीरियड में तकलीफ है, डिप्रेशन है,
स्टमक में तकलीफ है, बार बार मुंह हाथ धोने को दिल करता है, खाने पे तबीयत नहीं होती या खाते ही रहते हैं, लोगों से दूर रहने को दिल करता है, रात को अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, ऐसे महसूस होता है कि कोई साथ चल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई क्रॉलिंग कर रहा है, खुंडी कर रहा है कोई, वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों के लिए मैं इलाज अर्ज कर रहा हूं। अगर आपके पास पेन कागज है तो आप लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि चंद मिनट बाकी है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी है तो देखते हैं, अगर कल हिम्मत हो सकी और हमारे मिर्जा साहब अवेलेबल हुए तो हो सकता है कल हम दोपहर में इसी को कंटिन्यू कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे, क्योंकि जो रात से फिर हमारी हाजिरी नहीं होगी बाहर चले जाएंगे। तो अब जरा नोट फरमा लीजिए, नंबर एक, ये बस आखिरी कॉल ले रहा हूं, प्लीज इसके बाद कॉल न करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? भाई सर आप बताएं। माशाल्लाह का करम है। दरअसल मैंने अपने बच्चों के बारे में बात करनी, इसके लिए मुझे आपका सेल नंबर चाहिए क्या? सर मेरा सेल नंबर है 856 2 6 6 5 7 8 6 5 7 8 6 शुक्रिया आपका, आपने ये डॉक्टर साहब का नंबर है ना आप? जी सर मैं बात कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया। चले फिर मैं कॉल करूंगा, मैं अपने बच्चों के बारे में जरा दुआ करवानी है आपसे। ठीक है, खुदा हाफिज़। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, माशाल्लाह आपने देखा प्रोग्राम तो मैंने ऐसे आज अर्जेंट ही किया, ऐसे मेरे दिल में ख्याल आ गया कि आज इस पे प्रोग्राम करना चाहिए कौमी जन्नात पे। ये तो इत्तेफाक से बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया और बड़ी कॉल्स आ गई, हालांकि हमने तो ऑलमोस्ट किसी को इतला भी नहीं दी ज्यादा। ये जो सिम्टम जिक्र की गई, अगर किसी में ये चीजें हैं तो नोट कर लें। नंबर एक, सूरतुल बकरा उस बच्चे या बच्ची या बड़े या बूढ़े या मर्द जवान औरत के सरहाने लगा दें, सूरतुल बकरा को सुनते हुए मरीज सोए, ये पहला इलाज है। दूसरा इलाज, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें आमनर रसूलो से लेकर आखिर तक ये पढ़ के सोए, ये दो। तीसरा इलाज, चारों कुल सिर्फ एक एक मरतबा पढ़ के सो जाए। चौथा इलाज, सोते वक्त बावजूद हो। पांचवा इलाज, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम पढ़ के सोए। पांचवा इलाज, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के सोए। ये पांच जहन में रखे, अगरचे मैंने कह दिया था आखिरी कॉल है, मुझे देख रहा हूं फिर कॉल आ रही है। अभी प्लीज कॉल ना करें क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरी, सर आप अभी जोड़ों के दर्द का बता रहे थे, घुटनों के दर्द का आप दम करते हैं, तो सर मेरी अम्मी पाकिस्तान में, तो उनको इतना जोड़ों में दर्द है, घुटनों में क्या, उंगलियों में क्या, पूरे जिस्म में रग रग में दर्द स्टार्ट हो गया। कोई पाकिस्तान में आता जाता हो मुझसे फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क से पानी ले ले तो मैं हाजिर खिदमत हूं, पानी भेज नहीं सकते हम। बहुत शुक्रिया। तो ये पांच मैंने आपको आभार बताए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। नंबर एक, टेप लगा ले, वीडियो हो ऑडियो हो, सूरतुल बकरा सुनते हुए मरीज सोए, वो जिन्नात भाग जाते हैं। नंबर दो, आमन और रसूलों से सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ लें। नंबर तीन, चारों कुल पढ़ लें। नंबर पांच, चार वुजू से सोए। नंबर पांच, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। नंबर छह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये छह चीजें मैं अर्ज कर रहा हूं, चार चीजें और सुन लीजिए, अल्लाह के फजल करम से जिन्नात भाग जाएंगे। नादे अली पढ़ने सिर्फ एक मरतबा, नादे अली एक मरतबा, सूरतुल फातिहा सिर्फ एक मरतबा,
सिर्फ एक मरतबा सूरतुल फातिहा। आयतुल जिन अभी जो मैंने पढ़ी थी नफर मिनल जिन वाली, ये सिर्फ एक आयत पढ़ी। और आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सिर्फ एक मरतबा दुरूद भेज दें। ये 10 वज़ाइफ कर लें, ना लंबा चौड़ा कोई खर्चा आएगा, ना कोई लंबी चौड़ी किसी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। डिटेल चाहिए हो तो मेरी किताब मंगवा लीजिए, मैंने हर किताब में कौम जिन्नात के बारे में लिखा है, या मुझसे रब्ता कर लें। अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर हो। आज का हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह बेहद कामयाब रहा और वो कौम जिन्नात के बारे में था। इंशाल्लाह कल न्यूयॉर्क से अल्लाह के हुक्म से, मुझे क्योंकि अभी बात करते हुए जहन में आया कि मैंने कल 5 बजे न्यूयॉर्क में एक जरूरी मीटिंग में पहुंचना है, तो कल का हमारा प्रोग्राम न्यूयॉर्क से आएगा जरूर इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से मगरिब की नमाज के फौरन बाद हम कल प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, जैसे आज किया था 9 से 10। इसको भी हम एक्सक्लूसिव करेंगे कौम जिन्नात के लिए। मजीद डिटेल चाहिए हो और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें अलामा तालिम जौहरी साहब ने कौम जिन्नात में एक मजलिस पढ़ी थी, उनको जो न्याज मिली वो उस न्याज का तस्करा, मैंने खुद अलामा तालिम जौहरी साहब के घर जिन्नात का पका हुआ हलवा खाया है। मैंने उनसे कहा था कि हलवा मुझे खिलाइए, खैरपुर से वो हलवा है जिन्नात लेकर आए, इसके कम से कम 10 गवाह हैं। और इस किस्म की और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करूंगा। डरिएगा नहीं, बार लोग डर जाते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम हल करेंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल कुरान सेंटर में इस वक्त सुहैब मिर्जा साहब, सलीम मिर्जा साहब, हमारे साकिब बादशाह और रफत मिर्जा साहब और मैं फकीर सखाब हुसैन मौजूद हूं। ये 5 लोग यहां मौजूद हैं। अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम की कबूलियत और मोहम्मद व आले मोहम्मद के वास्ते के सबब इन 5ों पर और तमाम देखने वाले भाई बहनों मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात पर रहम फरमाए। अल्लाह करीम हमारी अलमहदी टीम को कामयाब करे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता हो। आप हजरात ख्वातीन अलमहदी टीवी के साथ तआवुन भी करते रहे, मेंबरशिप लें, खुम समय दे सकते हैं, इक्विपमेंट खरीद करके दे दें। हमने महदूद वसाइल से ग्लोबल लेवल पे आपको काम करके दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मैंने एक फैमिली कन्वर्ट की है इस टीवी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने न्यूयॉर्क में एक फैमिली कन्वर्ट की है और इस तरीके से ये सिलसिला, बल्कि कल आने वाले में भी 5 बजे फिर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये घर घर आपके बेडरूम तक, आपके टीवी रूम तक, आपके रिश्तेदारों तक, दोस्तों अजीजों तक मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैगाम पहुंच रहा है। कुरान का दरस, कुरान दरस, अखलाक, तहरीक दीनदारी, हमारे पास बहुत बड़े काम करने वाले हैं। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो रिश्ते कराने हैं, ये भी इंशाल्लाह अलमहदी टीवी से ये काम होगा। बच्चों की तरबियत करनी है, अखलाकियात सिखाना है, बड़े बड़े ताजिर बनाने हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, बहुत हाई लेवल पे जाना है इंशाल्लाह। कॉलोनियां बनानी है, बस्तियां बनानी है मोमिन की, मस्जिदें बनानी है, इदारे बनाने हैं, लाइब्रेरियां बनानी है, स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं। अलमहदी टीवी इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेगा। अलमहदी टीवी से थोड़ा थोड़ा ताल्लुक करते रहिए ताकि इमाम पाक के नाम पर कायम होने वाला ये टीवी आपकी खिदमत में आगे आगे रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अय्याम विलादत में भी जरूर जश्न मनाइएगा। लैलतुल बरात के अमल भी कीजिएगा, शाबान के रोजों और नमाजों के भी अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुदा हाफिज़ो नासिर।